नमस्कार, मैं जिग्नेश ऑल्ट न्यूज़ से। आए दिन सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियोस वायरल होती रहती हैं। ऐसी एक वीडियो पाकिस्तानी सोशल मीडिया इकोसिस्टम में वायरल हो रही है। पहले देखते हैं क्या है वीडियो। इस वीडियो को साझा करने वाले लोग ये दावा कर रहे हैं कि भारतीय सेना ने कश्मीरी लोगों के घर जला दिए। अब्दुल रौफ सिद्दीकी नाम के एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूजर ने भी इस वीडियो को साझा करते हुए एक समान दावा किया। सिद्दीकी के इस वीडियो को 1,36,000 बार से ज़्यादा शेयर किया जा चुका है और 17 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है। और भी बहुत सारे सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को साझा करते हुए कुछ ऐसा ही दावा कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इस वीडियो की सच्चाई। इसी वीडियो पर की गई एक कमेंट में कहा गया था कि यह वीडियो उरी कश्मीर का है और ये एक एक्सीडेंट था। दी गई जानकारी के मुताबिक हमने एक YouTube सर्च किया तो यह वीडियो मिला। वीडियो के मुताबिक यह घटना उरी के लाचीपुरा गांव की है, जहां पर 4 मकानों पर आग लग गई थी। इस वीडियो की और ज़्यादा पुष्टि करने के लिए हमने जम्मू एंड कश्मीर में स्थित फोटो जर्नलिस्ट पीरजादा वसीम से बात की तो उन्होंने बताया कि यह घटना लाचीपुरा उरी की ही है और यह मार्च में हुई थी। 27 मार्च 2018 को कश्मीर की एक लोकल वेबसाइट राइजिंग कश्मीर पर प्रसारित हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय लोगों का कहना है कि आसपास के इलाके में एक भी फायर स्टेशन नहीं था और इस आग में उनके घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। तो हमारी पड़ताल में वीडियो के साथ किया जा रहा दावा गलत साबित हुआ। पर क्या यह पहली बार है कि ऐसा कोई वीडियो पाकिस्तान में भारतीय सेना पर आरोप लगाने के लिए वायरल किया गया हो? 2 महीने पहले पाकिस्तानी मीडिया और नामी पत्रकार हामिद मीर ने एक और वीडियो साझा किया था। उनका यह दावा था कि भारतीय सेना ने कश्मीरियों को टॉर्चर किया। हालांकि ऑल्ट न्यूज ने आपको बताया कि यह वीडियो पाकिस्तानी आर्मी की ट्रेनिंग का है। दरअसल यह ट्रेनिंग पाकिस्तानी आर्मी की प्राइमरी स्पेशल ऑपरेशन फोर्स SSG को दी जा रही टॉर्चर प्रूफिंग का है। तो पहले की ही तरह यह वीडियो के साथ किया जा रहा दावा गलत साबित होता है। सोशल मीडिया यूजर्स को यह सलाह दी जाती है कि कोई भी ऐसी भड़काऊ तस्वीर या वीडियो को साझा करने से पहले एक बार जाँच जरूर कर ले, और ऐसी गलत जानकारी से बचने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।